इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को लेकर के। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, यानी इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में इन लोगों को रखते हैं हम लोग, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दो ऑपोजिट फेस में डेवलप हो जाते हैं। जैसे कंडक्टर में हम लोग देखते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन जब भी इन लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो अगर ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, हम फिगर में थोड़ा बाद में हम दिखा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के जो ऑपोजिट फेस है इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डालने से, ऐसा मटेरियल को हम लोग बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक। तो एग्जांपल इनके हो सकते हैं एयर, H2 गैस, ग्लास, ड्राईवुड, पेपर एट्सेट्रा। एक्चुअली जैसे कंडक्टर में हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते, तो याद रखिएगा इसके अंदर में कोई करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, खाली इनके अंदर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज करेंगे। मीन्स अगर ये एटम से बना हुआ है डाइलेक्ट्रिक, तो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेंगे, एटम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या मॉलिक्यूल्स के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेंगे, और जिसके चलते इन लोगों का जो बिहेवियर है उसमें भी कुछ बदलाव आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हम लोग स्टडी करेंगे, उसमें और थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो देखिए पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल। जैसे अगर एक मॉलिक्यूल हम लोग ले लेंगे, तो मॉलिक्यूल में दो या तीन या चार ऐसा एटम्स हो सकते हैं। तो मान लिया जाए दो एटम वाले मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं, पहला एटम जो लिए उसका पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस वहाँ है, दूसरा एटम जो लिए पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस यहाँ पर है, और इलोम के चारों ओर नेगेटिव चार्जेस का एक क्लाउड फॉर्म हो जाता है। इसी ढंग से ये हमारा मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर होगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड, इसका भी एक सेंटर होना चाहिए। जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़े हैं ग्रेविटेशन में, इसी टाइप से सेंटर ऑफ चार्ज भी होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज का भी एक सेंटर होना चाहिए, नेगेटिव क्लाउड का भी एक सेंटर होना चाहिए। तो मान लिया जाए ऐसा कुछ एटम जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जैसे प्लस क्यू और नेगेटिव चार्ज का सेंटर माइनस क्यू, ये एक जगह में नहीं है बल्कि अलग अलग जगह में। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कुछ अलग जगह हो, नेगेटिव चार्ज का सेंटर कुछ अलग जगह हो, और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो, दैट इज डी, तो इस मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट होगा। आप लोगों को याद है डाइपोल मोमेंट, स्मॉल पी बराबर आप लोग पढ़े चार्ज, दोनों में से दिस इज डाइपोल मोमेंट पी बराबर दोनों में से कोई एक चार्ज इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर हमारा डी है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है आप लोग जानते हैं फील्ड के तरफ। तो या तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग हो, एक ही जगह में ना गिरे, वैसा मॉलिक्यूल को बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। तो ये हमारा एक डाई इलेक्ट्रिक है जिसके अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूल्स आप लोग देख रहे हैं रेंडमली ओरिएंटेड है, लेकिन ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक डाइपोल मोमेंट है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग जगह है, तो ये मॉलिक्यूल हुआ हमारा पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो रिजल्टेंट इस पूरा डाइलेक्ट्रिक का रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट होगा या पोलराइजेशन होगा कैपिटल पी, इसके बारे में ही बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि इंडिविजुअल जो डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है,
इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसके उल्टा है, तो दोनों कैंसिल, इसी ढंग से रैंडमली ओरिएंटेड है, ये लोग कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जब इसी डाइलेक्ट्रिक को पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ डाइलेक्ट्रिक जिसमें मॉलिक्यूल सब रैंडमली ओरिएंटेड है, इसी को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में हम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरफ में पॉजिटिव प्लेट है हमारा और एक तरफ में हमारा नेगेटिव प्लेट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एग्जर्ट करेगा और फोर्स एग्जर्ट करने से ये जो हमारा मॉलिकुलर डाइपोल था ये अलाइन हो जाएगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका रिजल्टेंट कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, जिसको डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी हम लोग बोलेंगे। थोड़ा देर बाद इस टॉपिक पे और डिटेल्स में आते हैं। तो जो भी ऐसा मॉलिक्यूल्स का हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर मॉलिक्यूल का अपना एक डाइपोल मोमेंट है, लेकिन पोलर जो मटेरियल है या पोलर जो डाइलेक्ट्रिक है वो रेंडमली मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन के चलते उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा रिजल्टेंट पूरा सब्सटेंस का वो होगा जरूर, लेकिन इंडिविजुअल का डाइपोल मोमेंट होगा। अब हम लोग देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह, यहीं पर इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक ही जगह में, इसका भी एक ही जगह में, इसका भी एक ही जगह में, इसका एक ही जगह, मीन्स ये अगर ये मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज भी एक ही जगह में नेगेटिव चार्ज भी इसी जगह में गिर रहा तो ये डाइपोल नहीं बना पाएगा। डाइपोल के लिए क्या चाहिए, दो इक्वल अपोजिट चार्जेस चाहिए और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, याद रखिएगा चार्ज सब एक ही जगह में नहीं आएगी, चार्ज का जो सेंटर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर एक ही जगह में आ गया तब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो हो उसको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग डाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक मॉलिक्यूल पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये जो मॉलिक्यूल था इस पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी फोर्स के एग्जर्ट के चलते जो भी पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर था ये नेगेटिव चार्ज उसको इधर डिस्प्लेस करेगा और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर था उसको पॉजिटिव चार्ज इधर डिस्प्लेस करेगा, मीन्स ये डाइपोल बन जाएगा। तो ये पहले डाइपोल नहीं था, अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के चलते ये डाइपोल बन गया और ये हमारा जिस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कंसाइड कर जाए उसको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें कंसाइड ना करे उसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल का कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, ये सब है पोलर मॉलिक्यूल्स और ये कुछ एग्जांपल है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। तो जैसे हम लोग एक पोलर मॉलिक्यूल का फिगर एक बनाए हैं, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज मान लो यहाँ है और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है तो इसका एक डाइपोल मोमेंट होगा, कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाई गया। तो ये दो मॉलिक्यूल हो गया हमारा पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को लेकर के, क्या है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में डालेंगे तो डाइपोल मोमेंट उसमें अपीयर हो जाएगा, पूरा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में डाइपोल मोमेंट अपीयर्स हो जाएंगे, मीन्स वो पोलर बन जाएंगे और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अगर कोई एक मॉलिक्यूल अगर पोलर नहीं है तो उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने से उसमें भी डाइपोल मोमेंट अराइज हो जाएगा, और अगर कोई सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने से उसका भी रिजल्टेड डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालने के बाद अगर उसका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का या तो रिजल्टेंट पूरा मटेरियल का डाइपोल मोमेंट अगर आ जाए तो इस विधि को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन फैक्टर जो पहले भी हम जिक्र किए कैपिटल पी, दैट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो इस फॉर्मूला में हम लोग जाएंगे तो इसको और थोड़ा सा हम लोग व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग एक रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लेब है हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लेब है, इसको हम लोग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डालेंगे तो रिजल्टेंट इसका जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा
वो हो जाएगा ज़ीरो। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं डाले थे तो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट था वो हो जाएगा हमारा ज़ीरो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डालेंगे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स पे एक टॉर्क अप्लाई होगा और फील्ड के डायरेक्शन में वो लोग टर्न हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास डाइपोल्स जो हमारा पोलर डाइपोल है वो अलाइंड हो जाएंगे और अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो था उलोंग पोलर बन जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इसको डालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के बाद और भी एक तो चीज़ आप लोगों को देखने को मिले जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डाइपोलर चार्ज कैंसल द इफेक्ट ऑफ इचर ये इसको कैंसिल करेगा ये इसको कैंसिल करेगा ये इसको कैंसिल अंदर वाला कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये जो साइड वाला कैंसिल नहीं हो। तो बाहर से तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किए ही हैं बाहर से ये हम बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं ये ऐसा हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो बाहर से दिए पैरेलल प्लेट के माध्यम से यही है बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इनॉट। लेकिन इसके अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएंगे बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो होगा हमारा ईपी। ये जो ईपी को हम लोग बोलेंगे ये है हमारा इंड्यूस्ड या पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके चलते इस डाइलेक्ट्रिक स्लेब के सरफेस में कुछ चार्ज डेंसिटी आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग पहले ही पढ़े सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया ये जो चार्ज है पी लिखें ये पी का मतलब पोलराइज चार्ज या तो पी का मतलब होगा इंड्यूस्ड चार्ज। तो इस स्लेब का डाइपोल मोमेंट तो स्लेब का डाइपोल मोमेंट होंगे डाइपोल मोमेंट का बराबर होगा चार्ज इंटू लेंथ। तो यहाँ पर चार्ज तो इंड्यूस्ड हो रहा था इंड्यूस्ड चार्ज इंटू लेंथ। लेकिन हम लोग क्या देखें यहाँ पर देखें सिग्मा पी बराबर चार्ज बाय एरिया तो चार्ज बराबर सिग्मा पी इंटू एरिया हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट के जगह में ये जो क्यू पी है क्यू पी बराबर सिग्मा पी इंटू एरिया। तो पोलराइजेशन का फॉर्मूला है हमारा क्या डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट हमारा आया सिग्मा पी वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ बाय वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ कट जाएगा तो पोलराइजेशन बराबर सिग्मा पी हमारा होगी। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई किए ई नॉट तो इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी। लेकिन बाहर में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम नहीं है। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ई बराबर ई नॉट और ई पी ई लोगों को माइनस कर देना पड़ेगा ई नॉट माइनस ई पी होना चाहिए। तो अब और एक टर्म आएगा इससे जुड़ा हुआ वो है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो पहले हम बोले जब एक डाइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में डालेंगे तो अगर ये हमारा डाइलेक्ट्रिक अगर होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है तो इसके अंदर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड आ जाएगा जिसको डीपोलराइजिंग फील्ड भी जानते हैं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है कभी कभी पूछता है व्हाट इज डीपोलराइजिंग फील्ड यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन उसको बोलेंगे डीपोलराइजिंग फील्ड क्योंकि इसका इफेक्ट को ये घटा देगा इसका जो इफेक्ट उसको कम देगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर वेक्टर में अगर लेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ई पी बराबर हम लोग जानते हैं पोलराइज फील्ड बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन लेकिन सिग्मा पी अभी हम लोग प्रूव किया दैट इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर तो पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर होगा वो होगा ई नॉट माइनस पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिस इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के बराबर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से ई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं ई नॉट बाई के। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बहुत से हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं।
तो एप्सिलॉन आर आप लोग जानते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता, तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता, तो एप्सिलॉन आर ही हमारा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। वैक्यूम में तो पोलराइजेशन नहीं होता, इसलिए एप्सिलॉन आर वन हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैक्यूम के लिए वन होगा, लेकिन मटेरियल के लिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू वन से ज़्यादा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह है क्लाउसियस मोसोटी इक्वेशन।